मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण कर जानकारी ली। सीएम ने मरीजों से भी बात की और आश्वासन दिया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार देर शाम को अचानक भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुख्यमंत्री सबसे पहले ब्लॉक 2 में बने स्त्री और प्रसूता रोग विभाग पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। उन्होंने शिशु रोग विभाग की व्यवस्थाएं देखी। इसके अलावा कई वार्डों में जाकर मरीजों के साथ उनके परिजनों से बातचीत की और अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बारिश का मौसम है, ऐसे में जो रेगुलर मरीज आ रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से आएंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि विकास और स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले राशि का उपयोग सही हो, जिससे जनता के बीच में एक विश्वास बनता है। वर्षा काल चल रहा है और वर्षा काल में स्वाभाविक रूप से हमारे रेगुलर जो मरीज आ रहे हैं वो मरीज आएंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई नहीं हो। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड तक की है, लेकिन अभी एवरेज अभी 1850 के आसपास तो बेड तैयार है, लेकिन मरीज 1400 के आसपास है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का हमारा ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कठिनाई नहीं आए। कुछ नए काम के दृष्टि से भी यहाँ मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी का 35 करोड़ का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स 42 करोड़ का, कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें 30 करोड़ की, बोन मैरो सेंटर जल्दी प्रारंभ किया जाएगा, पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक 20 करोड़ का, MRI सीटी मशीन 20 करोड़ की आने वाली है, नया एकीकृत OPD ब्लॉक 35 करोड़ का, ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, तो नया UG छात्रावास भी 17 करोड़ का। कुल मिलाकर के विकास के मामले में, खास करके हेल्थ के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले धनराशि का भी उपयोग प्रॉपर हो, उससे जनता के बीच में एक विश्वास भी बनता है और खास करके सरकारी अस्पतालों पर जनता का विश्वास भी है। हमारा प्रयास है कि इन सारे कामों में गुणवत्ता के साथ अपनी दक्षता से भी सभी अपनी ड्यूटी करें और समय समय पर निरीक्षण करने से स्वाभाविक रूप से विश्वास बनता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि सारे विभागों में, खास करके जिस जनता जिसमें ज़्यादा खर्च कर, हॉस्पिटल के एक ऐसा स्थान है जहाँ कष्ट में तुरंत दौड़ करके आता है, यहाँ की सुविधाओं की दृष्टि से वो प्रॉपर काम करे। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।